बंगाल के करीम उल हक कई सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं। जरूरत के वक्त उन्हें अपनी बाइक एम्बुलेंस पर हॉस्पिटल पहुंचा के आते हैं। काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तब नहीं सोचा होगा कि एक दिन पूरा देश उनकी कहानी को जानेगा। ये होने जा रहा है। उनकी कहानी पर एक फिल्म आने वाली है। खबरों की माने तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम उरानी इसे बनाने जा रहे हैं। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स से बात भी चल रही है जिसमें शाहरुख खान और सोनू सूद का नाम टॉप पर है। इसी मौके पर कुछ समय पहले करीम उल हक मुंबई आए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और कंफर्म करने कि उनकी कहानी पर फिल्म बन रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा था, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी लाइफ पर फिल्म बन रही है। अगर ये फिल्म लोगों को इंस्पायर कर पाती है तो उससे बेहतर क्या होगा। सोनू सूद को उनका किरदार निभाते देखने की बात पर उन्होंने कहा, मैं सोनू सूद से पर्सनली मिला हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरा किरदार निभाना चाहते हैं पर वो मुझसे लगभग 1 फीट लंबे हैं। वो एक शानदार एक्टर हैं पर मेकर्स को चिंता है कि मुझसे काफ़ी अलग दिखते हैं। इस पर वो मेरी राय जानना चाहते थे। करीम उल हक पश्चिम बंगाल के मलबाजार के रहने वाले हैं। वहाँ के चाय बागानों में काम करते हैं पर एक दिन उनकी माँ को हार्ट अटैक आ गया। यहाँ से करीम उल हक की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। चारों तरफ एम्बुलेंस खोजी पर कुछ ना हो सका। माँ समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाई जिस कारण उनकी डेथ हो गई। इसके बाद करीम उल हक ने फैसला लिया, कोई भी किसी अपने को एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से नहीं खोएगा। तब से 20 गांव में अपनी बाइक के जरिए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। ऐसे गांव जहां दूर दूर तक पक्की सड़क नहीं है, इसी कारण उन्हें बाइक एम्बुलेंस दादा भी कहा जाता है। अब तक करीम उल हक लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों को बिना किसी शुल्क हॉस्पिटल पहुँचा चुके हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।